चलो आज हम बात करते हैं, जैसे है प्रश्न वाली कितना है, 2.2 का है, ठीक है। और अपना तू लोग काम करो, यहाँ पे तो सबसे पहला बोल रहा है सवाल, जो बोल रहा है पी एक्स इंटू क्यू एक्स निकाले। आलोक तुम इधर ध्यान दो, तुम अपना ध्यान दो इधर, ठीक है। पी एक्स इंटू क्यू एक्स निकाले, ठीक है, निकाल कर घात बताएं। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हम सबसे पहले पी एक्स सवाल में लिख लिए हैं जो हमारा पी एक्स क्या है, यहाँ पर सबसे पहले पी एक्स लिख लिया, अब क्यू एक्स बताते, ठीक है। देखो पी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 है, एवं क्यू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख दिया हॉल में, लिख दिया पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी एक्स इंटू कितना है, तो पी एक्स जो जितना है उतना लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 लिख दिया है, और क्यू एक्स देखो इंटू में क्यू एक्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 लिख दिया, ठीक है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर, जब हम गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गुना करके बताए हैं, यहाँ पर ध्यान दो, हेलो ध्यान, यहाँ पर सबसे पहले इसको लास्ट इससे गुना करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कितना होगा, बोलो संजीत, फोर एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, बोलो फोर एक्स गुना एक्स कितना होगा, फोर एक्स गुना एक्स क्यू एक्स स्क्वायर कितना होगा, फोर एक्स क्यू है ना, फोर एक्स क्यू यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद देखो एट गुने एक्स स्क्वायर, तो एट एक्स स्क्वायर क्लियर है इतना। अब देखो क्या है, अब इससे क्या करना है, बगल वाला से करना है इसमें, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर में करना है, चलो ठीक है, सबको करना है, नहीं सॉरी यहाँ पर ध्यान दो क्या करना है, सबको करना है, कहाँ से, अब बगल वाला से करना है, ठीक है, फोर एक्स, तो बोलो तो फोर गुने एक्स स्क्वायर कितना होगा, फोर एक्स गुने फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यू होगा कि नहीं होगा, माइनस हो तो माइनस फोर एक्स क्यू। इसके बाद क्या किए हैं, फोर एक्स गुने फोर एक्स स्क्वायर, यानी कि तो कितना होगा, माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो कितना, आर्थोक 32x, समझ गया। अब क्या करना है, यहाँ के देखो कितना से, अब जो है ना इसको लास्ट वाला टर्म से गुना करना है, तो गुना करो, प्लस है तो प्लस दे देंगे, आठ गुने एक्स स्क्वायर कितना होगा, आठ एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं, बोले आठ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो इधर कितना होगा, फोर गुने फोर एक्स गुने आठ प्लस आठ चौक 32x और प्लस आठ ये ठीक 64, अब सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो, चलो हो गया। देखो फोर एक्स स्क्वायर यहाँ, ओ सॉरी नहीं कटेगा, एक्स और फोर है, फोर एक्स क्यू, ठीक है, और कितना होगा, इधर भी फोर एक्स कट गया, आठ एक्स स्क्वायर और आठ एक्स स्क्वायर सोलह एक्स स्क्वायर और सोलह एक्स स्क्वायर कट गया, बत्तीस एक्स और बत्तीस एक्स कट गया, बतिया कितना, फोर एक्स, यहाँ पे देखो लिखते हैं एक्स के पावर फोर प्लस 64 बतिया, ठीक है। तो दोनों घात बराबर कितना होगा, घात अधिकतम घात कितना है, चार चार है ना, तो हो गया इतना, इसका आंसर सही सही।